केम छो आदाब से शेकाल वनकम, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। मैं हूँ मिस्टर राज, आप सभी का अपना दोस्त, और साथ में है मिसेस राज। दोस्तों, आज की ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाली है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत दिनों से इस ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो दिल थाम के बैठे रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, और आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो आज की ब्लॉग है हमारी नए घर का होम टूर, और घर की जब बात होती है तो आप लोगों का वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है होम टूर दिखाइए, होम टूर दिखाइए, तो फाइनली आज हम लोग ले आए हैं आपके लिए अपना होम टूर। वैसे देखो कितनी तपती धूप में हम लोग बाहर खड़े होकर ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, जितना ज़्यादा लाइक होगा। अभी हम लोग नीचे नीचे का पोर्शन दिखाएंगे, ऊपर का पोर्शन आपको फिर आप कमेंट करना, फिर हम लोग दिखाएंगे अगले वीडियो में। और फिलहाल आपको सबसे पहले हम लोग घर दिखाने के पहले आपको एक बार कॉलोनी दिखाते हैं। कॉलोनी बिल्कुल ग्रीनरी है, ग्रीन 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 भरा हुआ है। मनीषा को तो बिल्कुल पसीना आ गया, एकदम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रही है। तो अभी बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले घर में, लेकिन घर का एक आपको नज़ारा, कॉलोनी पूरी चारों तरफ दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे होंगे, जैसे इस घर को भी आप देख सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सबको, मनीषा को, मुझे, या फिर किसी भी इंसान को ना अपने स्किन से, अपने चेहरे से बहुत प्यार होता है। उसके लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। साथ में पिछली भी कई बार मैंने वीडियो लाया हुआ है आप लोगों के लिए, क्योर स्किन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि काफ़ी अच्छे उनके प्रोडक्ट्स भी होते हैं, साथ में आपको डॉक्टर कंसल्टेंसीज भी होती है जहाँ पर आप अपने स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताते हो। दिक्कत क्या है कि एक दो कमेंट मैंने पढ़े हुए थे, उसमें लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स के फॉलोअप आए नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, मतलब मेरे नोनी थे, फिर वो फ़ोन की मनीषा को, तो वो बोली कि यार उनका वो फॉलोअप कैसे पता लगता है। तो मैंने बोला कि ऐप अपना खोलो, तो कह रही कि मैंने तो ऐप रखा ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि गाइस, हम ऐप तुरंत प्रोडक्ट मंगा करके ना उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं क्योर स्किन के ऐप को, जिसके वजह से क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन आने होते हैं, जो डॉक्टर्स को पता होता है, मतलब वो भेजते हैं आपको रिक्वेस्ट, या फिर जो भी मतलब आपसे फॉलोअप लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको नोटिफाई होगा ही नहीं। तो आप ऐप को डिलीट मत करो, क्योंकि ऐप को डिलीट करने से क्या होगा ना कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, आपके रेगुलर चेकअप्स वगैरह में आपको इश्यू आएगा, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग ऐप को डिलीट ना करें। क्योर स्किन क्या है? क्योर स्किन एक आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड ऐप है, डॉक्टर बेस्ड एप्लीकेशन है, जहां पर आप अपने हेयर, स्किन या फेस रिलेटेड किसी भी तरह के इशू को आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। मनीषा ऑलमोस्ट 3 महीने से यूज कर रही है, इनफैक्ट इसके ये दो चीज को छोड़ के, दो और थोड़ा सा सनस्क्रीन को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया, इसलिए दूसरा हमने मंगाया भी है इसका, क्योंकि पिछली बार आप देख रहे थे इसका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और बिल्कुल हमने दूसरा पैक मंगाया हुआ है इसका, थोड़े दिनों में आ ही जाएगा। और ये वाला सनस्क्रीन भी आपको पता है गर्मियों का मौसम होता है, जब धूप निकलती है तो बाहर सनस्क्रीन कितना काम आता है। अब खुद सोचो यार, 2.5 से 3 महीना हो गया, ठीक है, हमें यूज़ करते हुए। फेस वॉश मैं भी यूज़ करता था इसलिए जल्दी खत्म हुआ है, लेकिन 2.5-3 महीने में ऑलमोस्ट हमारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। ये तो चलो वीकली लगता है, इसलिए अभी हमारे पास काफ़ी ये बचा हुआ है इसके पास। अब होता क्या है कि सबसे पहले जब भी हम कहीं भी जाते हैं, अपने फेस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, तो हम सोचते हैं यार जब ये प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब जाकर के उसको डॉक्टर से दिखाएंगे, और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम लोग बहुत मतलब लॉस करके बैठ जाते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ सिंपल आपको क्योर स्किन ऐप को ओपन करना है। आपसे वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके फेस की स्कैनिंग की जाएगी, आपके फेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मनीषा वो सब कुछ आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, पूरे फेस को। जैसे मनीषा के फेस को स्कैन हमने कराया हुआ है, आपको मैं 3 अलग अलग क्लिप्स दिखा रहा हूँ, आप तीनों देखें, पहले, फिर बाद में, फिर लास्ट में। तो ये तीनों केस में आप देख सकते हो पहले कितना ज्यादा प्रॉब्लम था, फिर सेकंड वाले में कितना कम हुआ, थर्ड वाले में बिल्कुल ही कम हो गया। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रेगुलर फॉलोअप ये करती है अपने स्किन का केयर करना, और आप लोग भी कर सकते हो। और उससे थोड़ा सा हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो थोड़ा सा केयर नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो थोड़ा पार्टी फंक्शन में रह जाता है, लेकिन डेली इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करोगे ना, तो अब एकदम से एक हफ्ते एक दिन में 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 1 महीने 2 महीने अगर आप यूज़ करते हो ना, आपको फर्क दिखता है इस चीज़ का। और वैसे भी ये जो किट आता है ना, क्योर स्किन का जो किट हमने मंगाया हुआ था, वो एक्चुअली ये आता है कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऐप को ओपन करते हो, वहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो सारा कुछ सिंक करके सब आपके फेस को स्कैन वगैरह करके आपके लिए एक किट बनाते हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग किट आता है, और वो किट जो होता है ये 1500 रुपये के आसपास का आता है। 1400-1500 रुपये में आप खुद सोचो क्या ही होता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की फीस, जाने आने का खर्चा, दवाई की फीस, अगर दवाई ऑनलाइन मंगाएंगे तो उसके डिलीवरी चार्जेस, प्लस
आप अगर दोबारा रेगुलर फॉलोअप लेने जाते हो तो उसके बाद जितनी बार आप विजिट करोगे उतनी बार पैसे देने पड़ते, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 1400-1500 रुपए के अंदर आपका ये वाले प्रोडक्ट से लेकर के डिलीवरी चार्जेस से लेकर के आपके आने जाने का टाइम भी बचता है, साथ के साथ आपको हर 20 दिन पे डॉक्टर रेगुलर फॉलोअप करते हैं। मनीषा के डाइट वगैरह को पूछा जाता है कि आप क्या डाइट ले रहे हो। अब जैसे गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में हमारे स्किन में बहुत सारे एक्ने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाता है, तो चिपचिप चिपचिप बहुत ह्यूमिड अगर फील होता है तो भी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हम लोग मतलब स्ट्रक हो जाते हैं कि यार करें तो करें क्या, और एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पाते। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे कहने पे आप एक बार। और हाँ, बहुत सारे लोगों का कुछ कमेंट था कि यार आप ये ऐड के लिए भी करते हो, लेकिन मैं पर्सनली अपना बताऊं गाइस, ऐड इज अ पार्ट, लेकिन सबसे अच्छा मुझे इसके ना सर्विसेज लगते हैं ये आपको। और ये इसके जो फेस वॉश है ना, इतने सोचो खुद इतना अच्छा है कि हमने इसको खत्म भी करा हुआ है, इतना ज्यादा इफेक्टिव है। एडवर्टाइजमेंट अपार्ट, लेकिन ये पर्सनल बेसिस में मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करना, रेगुलर ट्राई करना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा है, इसको मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दियर होने वाली है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, क्योर स्किन के जो भी प्रोडक्ट लेंगे ना, आपको इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इनको डर्मेटोलॉजिस्ट खुद ही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप बीच में कभी चाहो डॉक्टर से बात करना, तो आप खुद से भी आप ऐप में जाकर रिक्वेस्ट करके आप उनसे चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आप अपनी स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प को ले सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम हेयर स्किन या फेस का है तो आप डॉक्टर से बेझिझक यहाँ की और स्किन पर कंसल्ट कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बार और मैं बोलना चाहूँगा, ऐप को अनइंस्टॉल मत करो, इसको करने इसको जब आप मंगा ले तो प्रोडक्ट को, उसके बाद आप ऐप को रखो, कुछ दिन तक आपको फॉलोअप लेने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर साहब को फॉलोअप करेंगे, तो ऐप की नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बस आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन, तो ज़रूर एक बार आप क्योर स्किन ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदेमंद लगेगा। तो आप यहाँ पीछे वाले घर को भी देख सकते हो, कितना सुंदर से लोग यहाँ घर बनाते हैं। तो हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर है ये, तो ये देख सकते हैं आप घर कितना प्यारा लगता है। और गाड़ी में अपनी पेड़ की छाया में वहाँ लगा देता हूँ, उस जगह पे आपको दिख रहा होगा। बाकी चलिए अब चलते हैं बिना किसी देरी के घर के अंदर। तो मनीषा आप घर के अंदर हमारा स्वागत करेंगी। बिल्कुल घर को दिखाते हैं आज, मैं तो भी लड़ने वाली थी, इतना बड़ा बड़ा गेट दिया है। बिल्कुल गाइस, तो ये आप गेट देख सकते हैं, बाहर का जो गेट है कुछ इस तरीके का है, और कार भी इसके अंदर लग जाती है पार्किंग में नाइट के। तो रात को हम लोग अपनी गाड़ी या दिन में भी अपनी गाड़ी जो धूप से बचाना है, या तो पेड़ की छाया में लगा दो या तो यहाँ लगा दो। तो हमारी ये रही बसंती चमचमाती हुई, आप देख सकते हो कितनी मस्त है आज हम यहाँ पर। दिस इज आवर न्यू टाटा सफारी, जो कि हमारे घर का एक पहला सदस्य भी है ना। तो पहले हमारे घर में कोई ना कोई कार होती ही है, पहले जब मैंने अपने सिवान वाला घर दिखाया था तब मैंने क्विड को दिखाया था, जब मैंने उस वाले घर को दिखाया तब अपने XUV 300 को दिखाया था, और अब इस घर में नई घर में नई गाड़ी भी हमारे पास। तो ये हमारा ये हमारी टाटा सफारी, और ये ऑटोमेटिक कार है, काफ़ी अच्छा है, कार के बारे में भी किसी दिन आपको दिखाएंगे, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी अभी आपको घर के ऊपर अगर जाना है ना, ऊपर वाली सीढ़ी का रास्ता किधर से मनीषा? तो सामने से सीढ़ी का रास्ता वो हम लोग ऊपर चढ़ के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, फिलहाल आपको बाहर का दिखाते थे। बाहर ये जो है, यहाँ पर भी एक गाड़ी आपकी आराम से पार्क हो सकती है, यहाँ पर भी आपकी गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है, और अगर आपकी छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं तो आप तीन गाड़ी आराम से इसमें पार्क कर सकते हो। मेरे पास तो अब तो सफारी या फॉर्चूनर अगर दो गाड़ी है तो आपका यहाँ पर दो गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इस जगह की, तो इस जगह के लिए मैं पहले स्टार्टिंग में आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, हमने सफाई करा हुआ है, अभी कूड़े वाला आया नहीं है, कूड़ा वाला आएगा वो सारा इसको भेजेंगे, हमने सामने रखा हुआ कार्टून में, वैसे कुछ कूड़ा नहीं है, बस कार्टून कार्टून नीचे हमने इन्वर्टर वगैरह सब रखा हुआ है, और वहाँ पर लॉक वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, बाकी CCTV कैमराज कॉलोनी में भी लगे हुए हैं सब कुछ, तो सेफ भी हमारे लिए। अब मनीषा घर के अंदर हमें प्रवेश कराएंगे। इस घर में एंट्री के ना दो रास्ते हैं, एक यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो, और एक जो मैंने गाड़ी लगाई हुई थी ना वहाँ गाड़ी दिखा दो आपको, आओ दिखाता हूँ, एक यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो, ये वाला गेट भी है, यहाँ से आप एंटर करना चाहो तो यहाँ से, बाहर डोर बेल लगा हुआ है। और चलो अभी आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। तो मनीषा वेलकम कर, चलो तो वेलकम टू आवर न्यू होम, अब घर के अंदर गृह प्रवेश हो रहा है हमारा, चप्पल खोल दीजिए आप भी, तो पहले बस शांत हो जा भाई, चलो आ जाओ।
एक सेकेंड बस। तो गाइस अंदर हम लोग आ चुके हैं। अंदर आने के बाद जो आपको अंदर का नजारा है वो कुछ इस तरीके का है। पीछे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर माता रानी को और कान्हा जी को यहाँ पर रखा हुआ है। कान्हा जी का आसन भी है यहाँ पे लगा हुआ। बाकी यहाँ पे माता रानी का इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे घर में सब कुछ होता है। तो जय माता दी भी जरूर कमेंट करना, और घर कैसा लग रहा है ये तो बताना। बाकी ये हमारा एक छोटा सा गेस्ट रूम है जहाँ पर कोई अगर गेस्ट आते हैं या फिर कोई अगर एक्स्ट्रा मेंबर्स भी रहते हैं तो हम ये तो हमने फिलहाल गद्दा लगाया क्योंकि हमारे पास सिंगल बेड था। इस रूम में डबल बेड अच्छा लगेगा, डबल बेड है हमारे पास लेकिन हमने इसको नहीं रखा ऊपर वाले रूम में सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने यहाँ 3 मैट्रेस लगाए हुए हैं, ठीक है। आराम से यहाँ पर बैठ के अपना बातचीत वगैरह करके खा पी सकते हैं नॉर्मली कुछ, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको खाने पीने के लिए किसी के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ बैठ के अपना कैरम बोर्ड वगैरह खेलने के लिए हमारा ये स्पेस यूज होता है। बाकी ये जोश एक नंबर का हमें टैग मिला हुआ था तो वो चीज है। और अब यहाँ एक बैठने के लिए बेंच है, आप दिखा सकते हैं। पूछ रहे थे कि ये जो फर्नीचर है वो आपका है या फिर? गाइस कुछ फर्नीचर्स हमारे हैं, कुछ फर्नीचर्स हमारे जो ऑनर हैं उनके हैं। ये वाला हाउस हमारा रेंटेड हाउस है, जैसे कि अभी हमारा जो घर बन रहा है वो सामने ही बन रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए क्योंकि आमने सामने रहेगा ना घर तो बिल्कुल इजी रहेगा। चलो अभी तो पहले फिलहाल घर दिखा रहे हैं। जितने भी कर्टन है ये कर्टन्स वगैरह भी सब कुछ मैच करके, पीछे भी आप कर्टन्स देख सकते हैं, पीछे भी देखो ये सब मैचिंग करके हमारे ऑनर ने दिया हुआ है, फुल्ली फर्निश्ड लिया। हमारे पिछले वाले फ्लैट से इसका रेंट थोड़ा सा ऊपर है, हाई है लेकिन ठीक है, अच्छा है सब कुछ पूरा, सब हमें जो जो चाहिए घर में है। इसको खोलने के बाद आपको दिखेगा मस्त आदमी। तो वहां से मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन हमारे वहां जाए और वहां से हमें शूट करके दिखाए। तो ये भी फिलहाल हमारा आज का एक ब्लॉग चल ही रहा है टीवी। तो गाइस मिस्टर एंड मिसेस राज का यहाँ पर हमने टैग रखा हुआ है बिल्कुल खूबसूरत। हमारा जो ये कंप्यूटर कह रहा है, हमारा जो ये टीवी है वो किससे चलता है हमेशा? हमारे कीबोर्ड और माउस से। फिलहाल आप देख सकते हैं ये हमारा, बोलो मनीषा बोलेगी अब क्योंकि मैं बोल ही जा रहा हूँ, मनीषा को टाइम नहीं मिल रहा, मनीषा बात करेंगी। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं ये कितना सुंदर सा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बैठ के मूवी वगैरह फैमिली के साथ देख सकते हैं, यहाँ सोफा वगैरह सब कुछ है। एंड ये रेक मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जितने भी प्राइस है, जितने भी सजाने की चीज़ें हैं वो हम एक एक करके इसमें सजा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हमारा बहुत सारा फोटोज है, सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मिस्टर राज को जितने सारे प्राइज मिले हैं वो सब कुछ उधर भी सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग ना इसको घर में ऐसे पैक कर करके रखते थे क्योंकि सजाने का जगह नहीं था वहाँ, आप लोग जैसा कि देखे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ, और इसमें लाइट भी है, मतलब ऐसे लाइट ऑफ कर देंगे ना, एक बार लाइट ऑफ करके दिखाते हैं, कुछ ऐसे होगा फिर इसको लाइट ऑफ कर देंगे तो ऐसे दिखेगा, तो बहुत ही प्यारा सा, जब नाइट में ना और भी प्यारा दिखता है। अभी तो कहीं कहीं से हमारे घर में लाइट आ रही है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है लेकिन नाइट में और अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो सोफ़ा है वो भी ऑनर ने दिया हुआ है, और ये मतलब हम लोग डिनर लंच ब्रेकफास्ट जो भी हम लोग यही कर लेते, चार लोग हैं घर में, चारों यहीं बैठ के अपना खाना पीना हम लोग कर लेते। आप लोग कमेंट कर सकते हैं दीदी बेड पे मत खाया करो, ये वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप बेड पे खाने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन में डाइनिंग टेबल भी आ जाएगा तो हम लोग उसको यहाँ पे ही अरेंज करेंगे। तो ये सोफा मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि सबसे अच्छा है ना कि सब फैमिली साथ में बैठ के खा सकता है। और आप देख रहे हैं इसका इंटीरियर जो है वो भी कितना प्यारा सा है, मतलब सीलिंग भी बहुत अच्छे से। बताऊँ ये घर किसी को भी पसंद आएगा, यहाँ तक कि मम्मी पापा सबको ही बोले कि बहुत अच्छा है, सासू मम्मी बोली बहुत अच्छा है, पापा जी भी सबको बहुत पसंद। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दो रूम्स हैं ये दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले फोटोज भी है हमारी, लेकिन यहाँ उसके पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं जो हम लोग ब्रश करते हैं ये एसी डालने से इसका कलर चेंज हो गया है। ये रेड कलर का सबसे खास बात पता है, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं था, सिर्फ बेसिन देखा था, लेकिन इसमें बेसिन के साथ ड्रॉज भी है जिसमें हम अपना ब्रश वगैरह एक्स्ट्रा जो नया नया होता है जो कभी गेस्ट को देना होता है तो हमें रूम में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल यहाँ से दे सकते हैं। एंड वहाँ एक बात, यहाँ एक वॉशरूम है, ये वॉशरूम जो है ये कॉमन हो गया जो लॉबी में लोग होंगे उनके लिए प्लस इस रूम वालों के लिए। और यहाँ पर ये वाला गेट है जो गाड़ी के पीछे बैक साइड में, मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं दो साइड से, तो यहाँ से आप गाड़ी के पास डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे। तो ये वाला कुछ इस तरह का एरिया है जो कि आपको हमने दिखा दिया। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं किचन में, किचन में मनीषा लेके चलेंगे। किचन में वैसे आप लोगों ने किचन का टूर देख लिया है लेकिन फिर जो लोग पूरा होम टूर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको हम दिखाते हैं। बिल्कुल
तो आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं किचन में था। अभी किचन को मैंने पूरा ठीक से नहीं किया हुआ है क्योंकि अभी जस्ट खाना वाना बनाया है हम लोग। बाकी आप लोग यहाँ देख रहे हैं सब रेक है रखने के लिए। तो ये जितने भी रैक्स हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज्ड हुए हैं। बाकी हमारे पास जो जो सामान था हमने अरेंज कर लिया। वहाँ पे गीजर कह रहा हूँ, वहाँ पे आपको वॉट पानी गर्म करने के लिए आप अपना मिक्सर चला सकते हैं, या फिर आप अपना क्या बोलते हैं पानी गर्म करने वाले को, जो केटल इलेक्ट्रिक केटल को आप चला सकते हैं, इंडक्शन स्टोव लगा सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही किचन है और ये मार्बल्स लगा हुआ है ना, आप लोग देख रहे कितना ज्यादा इस पे, इसको एक बार से पोछो ना तो एकदम साफ दिखने लगता है। और यहाँ पे सामने जहाँ खाना बनता है वहाँ पे एक विंडो होता है, तो ये विंडो से हमारे फ्रंट साइड में देख सकते हो आप लोग एक बार थोड़ा नजदीक से, यहाँ पे हमारी कार भी दिख जाती है एंड बाहर का पूरा घर वर सब कुछ दिख जाता है। और तो यहाँ पे हमारा चैनल भी आपको दिख रहा होगा, मिस्टर एंड मिसेस राज, हमारी कार पे लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्पोजल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, अभी अच्छे से अरेंज नहीं किए हैं। लेकिन आपको ये बताइए जो बर्तन स्टैंड है वो यहाँ पे ऑनर नहीं दिया हुआ है, बाकी हमारा जो बर्तन स्टैंड है हमारा यहाँ पे ये ऊपर वाले में हम शिफ्ट करेंगे, छोटा सा है लेकिन ये बड़ा सा मिला हुआ है। फिल्टर भी, ये फ्रिज हमने नया खरीदा है, फ्रिज और इन्वर्टर हमने नया खरीदा जिस दिन हम लोग शिफ्ट हुए। बाकी फ्रिज में भी कुछ इस तरीके से हमने अपने बॉटल्स वगैरह रखे हुए हैं, काफी अच्छा है। इसमें बर्फ जम गया है, मन कर रहा है बर्फ से, अरे यहाँ चीज भी रख के जमा दी है, वो तो निकलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं ना कि आप वो शेयर करना क्या सैंडविच, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। लेकिन आप लोग यहाँ का एक बार फर्श भी देख लीजिए कितना ज्यादा, मतलब पूरा व्हाइट व्हाइट है। यहाँ मैं जब भी बाल झाड़ती हूँ ना एक बाल भी गिर जाता है तो भी दिखता है। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ बगल वाले रूम को, उसके बाद मैं अभी बगल वाले रूम में कौन कौन रहता है। बगल वाले रूम में अभी तो राशिद और जीजू रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अभी है नहीं निशा जी, निशा आएंगे तो ये निशा और जीजू का रूम है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये बेडरूम कितना ज्यादा, मतलब अच्छा है ये बेड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो बेड दिया है ना। और हमने ड्रेसिंग टेबल यहाँ अरेंज करा हुआ इस रूम में, चूंकि था नहीं बाकी ये वाला जो है वो कबर्ड, मनीषा तो वहाँ तक पहुंचेगी भी नहीं, इतना बड़ा कबर्ड है। सब कुछ ये यही का है हम लोग का ही है जी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग रहते हैं तो हम लोग का। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ा एकदम साड़ी को अच्छे सजा कर, जीजू का सारा कपड़ा है, जीजू साड़ी नहीं पहनते नहीं तो वो भी सजा देते, नीचे आएगी तो साड़ी लग गया। बाकी ये वाला जो रूम है गाइस, ये वाला स्टोर रूम है, इसको मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा मैसी हुआ पड़ा है, कुछ इस तरीके से आपका कबर्ड वगैरह है। तो इसमें अभी हम लोगों ने जो भी कार्टून्स हैं कुरियर वगैरह जो है वो यहाँ रखते हैं। बाकी यहाँ पे भी आप मेकअप और कुछ कुछ सामान रख सकते हैं, यहाँ ड्रॉल है तो सब सबका लॉक दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं सब में कुछ, बिल्कुल। और यहाँ पर आप विंडो का आनंद उठा सकते हैं, जो पीछे बालकोनी भी है आप देख रहे हो, ये बालकोनी हमारे रूम से कनेक्टेड है तो वो चीज आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा ये सेकंड रूम जो कि आपको हमने दिखाया, और ये अपना जो हमारा ड्रेसिंग था वो हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया क्योंकि हमारे रूम में ऑलरेडी ड्रेसिंग दिया हुआ है। तो आप लोग बताओ कि ये रूम कैसा लग रहा है। वैसे ये रूम काफी अच्छा है और सबसे खास बात मैं कि इसका इस सब रूम का जैसे पिंक कलर का सब कुछ है, तो पिंक कलर का कर्टन्स वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ अरेंज किया, सामने भी कर्टन दिया हुआ है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, काफी अच्छा भी लगा हमें। और हमें तो घर से जाते जाते क्योंकि सब बिखरा पड़ा था इधर उधर तो हमारी हालत खराब हो गई थी। अब चलते हैं हम अपने कमरे में और उसके बाद से ये वाला हमारा ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं। ये गेट जो है ना उनका वो भी बहुत अच्छा है, स्टाइलिश है, तो अभी बिल्कुल डिजाइनर है। यहाँ पे हम लॉक करेंगे और इसको ऐसे करके फिर अपने रूम को खोलेंगे। अब जब हमारे रूम में आएंगे हमें ठंडक का एहसास हो रहा है क्योंकि हमने एसी चला रखा अभी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एसी लगा हुआ है मस्त, ये वाला रूम फर्निश्ड आया हुआ था हमारे साथ, एयर कंडीशन भी था। इधर से आपकी बालकोनी है, ठीक है, बालकोनी वगैरह में जाने का ये रास्ता जो कि हमने आपको दिखाया था। बाकी वाईफाई का तार हमने इसी साइड से मंगवाया हुआ है, राउटर हमने ये लगा लिया भाई क्योंकि हमें स्पीड चाहिए इंटरनेट की तड़ातड़। और यहाँ पर हमारा एक अटैच वॉशरूम है, वेस्टर्न, ये भी काफी अच्छा है। अब वॉशरूम का ही दिखाऊं मैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पर मेरे साइड चार्जिंग पॉइंट रखा हुआ है, उसके साइड कुछ नहीं रखा हुआ है, गरीब है, मैं गरीब हूँ, बोले मैं भी गरीब हूँ। मैं वो गाइस मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे अच्छा मुझे ये लगा ना कि ये जो बेड है ना इसमें बेड बॉक्स भी है, हाँ, तो छोटा बेड है थोड़ा सा, हमारा जो बेड था इससे भी बड़ा था, यहाँ तक आता था, 7 फुट का है चुकी, तो वो हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, लेकिन ये थोड़ा स्टाइलिश है तो बहुत अच्छा लगा। बगल वाले रूम में इतना सुंदर आप देख सकते हो, बगल वाले रूम में आप लोग जो बेड देखे होंगे उसमें बहुत सारा रैक, तो इसके कलर के अकॉर्डिंग इस रूम में यहाँ पर्दा है,
ठीक है, जो उस रूम का बेड था उसका मैचिंग पर्दा उसमें था, इस रूम का बेड जो है इसका मैचिंग पर्दा यहाँ पे है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, शेल्फ्स मिल जाएंगे जो अलमीरा है, जो मनीषा ने खुद अपने हाथों से अरेंज किया हुआ है। तो अलमीरा का जो टूर है, ड्रेसिंग का टूर है, अगर आप लोगों को देखना होगा दोनों ड्रेसिंग का अलमीरा का, तो आप लोग कमेंट करना, वो हम लोग दिखाएंगे। वैसे आप मनीषा ने बहुत साड़ी वगैरह कुछ कुछ अरेंज करा हुआ है, तो ये सारा चीज़ आपको हम लोग दिखाएंगे। साड़ी का भी टूर, वो भी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है अभी तक मुझे पता है। तो ये था हमारा ड्रेसिंग रूम, ये था हमारा होम टूर। अब हम लोग आते हैं थोड़ा बाहर और एक बार यहाँ से रूम को दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ से आप रूम देख सकते हो, पूरा रूम का व्यू कैसा लग रहा है, ना मस्त है ना, सुंदर। गाइस ये है हमारा रूम और ये था आज का हमारा होम टूर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये होम टूर अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर करना, खूब सारा शेयर करना, और हाँ घर को हमने कैसा डेकोरेट किया ये भी अब बताना। कुछ कर्टन्स वगैरह हमारे भी हैं और बहुत सारे हमारे कर्टन्स हमने भी रखे हुए हैं, ऊपर वाले रूम में अरेंज होगा, ऊपर वाला सब रूम किचन बाथरूम सब कुछ ऊपर भी है। तो ऊपर वाला होम का टूर मैं जो है वो नेक्स्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सोचा तो इसी में था। लेकिन ऊपर वाले रूम में अभी ना पलंग भी हमने सेट नहीं करा हुआ है, तो उसमें जब बेड वेड सब सेट हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो में रहने देते हैं यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना प्लीज, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, 400,000 की फैमिली इसी वीडियो पे कर देना प्लीज गाइस, एंड हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड, बाय बाय, लव टू ईच एंड एवरी वन, जय हिंद।